Hey guys, welcome back to the channel. मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आपके साथ एक बात शेयर करूं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो शेयर नहीं कर पा रहा था। वो कारण क्या था वो आगे आपको पता चलेगा। 18 अप्रैल 2020 सुबह के 10 बजे मैं अपने छत के ऊपर अपना ड्रोन उड़ा रहा था। उस टाइम एक्चुअली हमारा जो कॉलोनी है वो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो रहे थे उस टाइम। तो उस वजह से माहौल थोड़ा केओस वाला माहौल था और बस माहौल का जायजा लेने के लिए मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा था। कुछ देर ड्रोन उड़ाने के बाद मेरा ड्रोन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और ड्रोन जो है ऑटोमेटिकली मेन रोड के ऊपर जाके लैंड किया। तभी एक पुलिस वाला आया और ड्रोन पकड़ा और लेके जाने लगा। तो मैंने जाके उनको पूछा कि क्या हो सर, मेरा ड्रोन कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि आप जो हो कंटेनमेंट जोन में अपना ड्रोन उड़ा रहे थे, जो कि इलीगल है, इसीलिए हम आपका ड्रोन सीज कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैं थोड़े ही पीओके में जाके ड्रोन उड़ा रहा था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने रूल्स बताया कि ऐसे कंटेनमेंट जोन जब होता है तब आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो। हालांकि जो पुलिस वाले थे वो सब जान पहचान के थे, फिर भी लेकिन आज पर लॉ उड़ाना इलीगल था। तो उन्होंने मेरा जो ड्रोन है वो सीज कर लिया और उन्होंने मुझे बताया कि जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको आपका ड्रोन नहीं मिलेगा। एंड फाइनली 2 दिन पहले लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अनलॉक 4.0 लागू हुआ। उनके तरफ से कॉल आया 2-3 दिन पहले और मुझे बताया गया कि आप आके अपना ड्रोन ले सकते हैं। एंड फाइनली मेरे हाथ में मेरा ड्रोन है। तो उनको मैं पूछा कि क्या मैं ये ड्रोन शॉट्स यूज़ कर सकता हूँ कि कोई भी ब्लॉग में या सोशल प्लेटफॉर्म? तो उन्होंने बोला यू कैन यूज़ इट। अभी जो नेक्स्ट क्लिप आएंगे उसी दिन के क्लिप आएंगे। आई होप कि उसको देख के आपको बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि उस टाइम का माहौल के बारे में आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा, क्या सिचुएशन था, कैसे यहाँ पर रोड में एक भी गाड़ी नहीं दिख रहा था। सो इस ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद जो क्लिप आएंगे वो आएंगे ड्रोन शॉट्स। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।